अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि प्ले आइकन कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा और इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे गैलरी पर ये वीडियो पड़ी है, प्ले का आइकन। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मैंने कहाँ से लाई है और इसको आप लगाएंगे कैसे और कहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए तीन स्टेप है हमारे पास। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको लेके जाऊंगा इनशॉट ऐप पर। तो इनशॉट ऐप पर मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लगाऊंगा कि आप प्ले कहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना होगा, आपने यूट्यूब पर जाना होगा। यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर आपने तौसीफ अहमद टेक्निकल नाम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देना है। अगर आपने स्क्रॉल नहीं करना तो शॉर्ट्स पर आपने क्लिक करना है और शॉर्ट्स वीडियो पर यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है प्ले आइकन, ये आप देख सकते हैं। इसको भी आप इजली यहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं। क्रोमा की मदद से इसको आप लगा सकते हैं ग्रीन स्क्रीन में। तो ग्रीन स्क्रीन हटा के इसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इनशॉट की तरफ कि इनशॉट में आप कहाँ से लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने इनशॉट में। इनशॉट में जाने के बाद ये स्टेकर दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर दूसरे दफ़ा आपने स्टेकर पर क्लिक करना है, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा भी आपको मैं बताऊँगा। तो आपने यहाँ क्या करना होगा, आपने ये गैप पर क्लिक करना होगा। गैप पर क्लिक करने के बाद फिर से आपने स्टेकर पर क्लिक करना होगा यहाँ, और यहाँ पर सर्च में आपने लिख देना होगा प्ले। आपने कुछ नहीं लिखना, प्ले सिर्फ आप लिख ले, आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये कोने में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारा प्ले लग चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये तो दूसरा स्टेप आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैं करता हूँ माइनस। माइनस करने के बाद चलते हैं कैपकट की तरफ। कैपकट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कैपकट ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस उसी तरह स्क्रॉल करेंगे, स्टेकर पर क्लिक करेंगे। स्टेकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर भी प्ले लिख देना है। जैसे ही आप प्ले लिखेंगे तो प्ले वीडियो पर आपने क्लिक कर देना है, या आप प्ले वीडियो लिख लें। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे शेप है नीचे, आप देख सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर चार पांच जो ट्रेंडिंग वाले जो प्ले आइकन थे वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी जो प्ले आइकन है वो आप लगा सकते हैं, प्ले बटन आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो हो गया है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको वही यूट्यूब वाली जो हमारी जो प्ले का आइकन था, क्योंकि ये रनिंग नहीं करता, ये तो बिल्कुल मतलब कि तस्वीर जैसा लग रहा है, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपने कैपकट पर ओवरले पर क्लिक करना है। इन शॉर्ट पर आपने पीआईपी पर क्लिक करके जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने इसी तरह उसको सेलेक्ट कर लेना होगा गैलरी से। गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपने क्लिक करना होगा, इस प्ले निशान पर, और आपने यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ये क्रोमा की आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। इस शेप को आपने ग्रीन पर ले के कड़ा करना है और इस शेप को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर आपने टिक कर देना है यहाँ पर। इस टिक पर क्लिक करने के बाद इसको आप सेट करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर अब मैं लगा देता हूँ और इसको आप प्ले करेंगे अपने वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जियो यूट्यूब पर तकरीबन एक प्ले आइकन की वीडियो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपका वो काम करेगा। और अगर इतना आपका जो वीडियो है वो लंबी है तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये आप लंबा कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। अब ये डुप्लीकेट हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरीके से हमारा जो प्ले आइकन है वो चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।